Good morning everyone. Today we will revise the question answers of chapter 1 changing family trends. हाँ जी, question number 1, how do you help in household works? घर के कामों में तुम कैसे मदद करते हो? Answer is, we help in household works by sweeping the floors, by helping mother in the kitchen. घर के कामों में मदद करते हैं हम कैसे? फर्श साफ करके, घर की साफ सफाई करके या मम्मा की हेल्प करके इन द किचन, रसोई में. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स? तुम अपना कितना समय जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ बिताते हो? आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम. मैं अपना ज़्यादातर खाली समय, जो फ्री टाइम होता है, वो स्पेंड करता हूँ विद माई ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स. थर्ड क्वेश्चन है, इन ओल्ड टाइम्स, पुराने समय में, व्हाट काइंड ऑफ टॉयज डिड द चिल्ड्रन हैव? बच्चों के पास किस तरह के खिलौने होते थे? आंसर इज, दे हैड टॉयज मेड अप फ्रॉम क्ले ओनली. उनके पास सिर्फ क्ले से बने खिलौने होते थे. क्ले मीन्स मिट्टी से बने खिलौने होते थे. क्वेश्चन नंबर 4, विच फैसिलिटीज डू द यूथ एंड चिल्ड्रन ऑफ द डे वांट? आजकल के जो बच्चे हैं या जो यूथ है, जवान लोग हैं, वो कैसी फैसिलिटीज चाहते हैं, कैसी सुविधाएं चाहते हैं? आंसर इज, दे वांट मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड मोटरसाइकिल. वो क्या चाहते हैं? मोबाइल फोन चाहते हैं, कंप्यूटर और मोटरसाइकिल और बहुत सी और सारी चीजें हैं जो आजकल के यूथ और चिल्ड्रन की डिमांड बन चुकी है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू सम यंग पीपल वांट टू गो अब्रॉड? कुछ जो यंग पीपल हैं, कहता वो अब्रॉड क्यों जाना चाहते हैं? अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्री में, ठीक है जी, बाहर के देशों में क्यों जाना चाहते हैं कुछ यूथ, कुछ यंग लोग? दे थिंक, वो सोचते हैं, दे कैन अर्न मोर मनी. वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं देयर, वहाँ जाके वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. एंड कैन लिव अ बेटर लाइफ, और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं इन फॉरेन कंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली में रहने के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? आंसर इज, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली में रहने के कुछ आगे निम्नलिखित फायदे हैं, वो क्या है? टोटल वर्कलोड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. जो सारा घर का काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है किसमें? सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली के उनमें, ठीक है. अगर जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे, वर्कलोड उतना कम रहेगा. चिल्ड्रन आर सेफ इन सच फैमिलीज. बच्चे जो हैं ज्वाइंट फैमिली में सेफ होते हैं. लाइक अगर कोई घर पे नहीं हो, अगर बच्चों को हम कभी भी किसी भी समय अकेला घर पे नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई उनके साथ हमेशा रहता है, अगर हम जो है ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं. लॉट्स ऑफ मनी इज सेव्ड एज स्पेंडिंग इज लेस. और हम बहुत सारी मनी जो है वो सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो खर्चा होगा, स्पेंडिंग जो होगी, वो कम से कम होगी. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन फैमिलीज विद चेंजिंग टाइम? समय के साथ साथ क्या क्या चेंजेस, कहता जो है, फैमिलीज में आ चुके हैं. अर्लियर फैमिलीज वर ज्वाइंट फैमिलीज. पहले की जो फैमिलीज होती थी, पहले के जो परिवार थे, वो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मैटरनल अंकल एंड देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन सच फैमिलीज. इन फैमिलीज में जो दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, उनके वाइफ, उनके बच्चे जो थे, एक साथ एक ही फैमिली में रहते थे. नंबर ऑफ मेम्बर्स इन सच फैमिलीज वर 10 to 15. और इन फैमिलीज में जो मेंबर्स की नंबरिंग होती थी, मतलब फैमिली मेंबर जो होते थे, 10 to 15 होते थे. नाउ द फैमिलीज आर स्मॉल. अब जो है फैमिलीज छोटी हो चुकी है.
ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर, सिर्फ माता पिता और बच्चे जो हैं वो टुगेदर इकट्ठे रहते हैं। तो ये थे बेटा जी आपके चैप्टर नंबर 1 के 7 क्वेश्चन आंसर्स। आपने ये सारे अपनी नोटबुक पे किए हुए हैं। अब आपने इनको अच्छे से लर्न करके अपनी रिवीजन नोटबुक पे इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।